साहू है, हम निगरी गांव के निवासी हैं। हमारे दुकान के पास एक ट्रैक्टर खड़ी थी, सेटिंग का सामान उतार रहा था। बहादुर साहू द्वारा आया गया तो ट्रैक्टर वालों को धमकाया गया। फिर इसके बाद हम उसको मना किए कि साइड से रास्ता, साइड से निकल जाओ। तो आके हमारे ऊपर चाय फेंक के गाली खुद दे के गाली देने लगा और बोला कि अभी मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा और पूरे घर में आग लगा दूंगा। फिर हमने चौकी के स्टाफ को विनोद सिंह को सूचित करवाया। फिर कुछ देर बाद बहादुर वहां से चला गया और शाम को हम अपने घर वाले रास्ते से जा रहे थे तो घर के रास्ते में करीब 7-8 लोग लगे थे। और जैसे मैं अपने घर जाने वाले रास्ते में मुड़ा तो सब लोग 7-8 लोग हमारे साथ पूरा राइट से और लाठी से हमला कर दिए। हमारे सर में चोट लगी है, पूरा 17-18 टांके लगे हैं और हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और इनके घर के लोग आज भी धमकी दे रहे हैं कि हम पूरे परिवार को ख़त्म करवा देंगे। इनके जो राम बहादुर के पिताजी लोग, उसके माँ, उसकी पत्नी, रोहिणी का जो लड़का एक था वो मानने वाले में जो था कृष्ण कुमार साहू, उसके भी मार दे रहे हैं। कितने लोग हैं, 8-10 लोग, वो बराबर धमकी दे रहे हैं। और मैं कई बार चौकी प्रभारी को बता चुका, एसपी साहब को भी बता चुका, मगर अभी तक कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया है। और ये लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि हम पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। मैं तमाम हर जगह एसपी से भी 3-4 बार बात कर चुका हूँ, शिकायत कर चुका हूँ, अभी तक कोई कुछ नहीं हो रहा है। चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो और इनके ऊपर सख्त सख्त सजा मिले और हमारे